केक नहीं लेके आए ये लोग, क्या है वो केक? नहीं है, खाना लेके आए, नाश्ता अभी लेके आए, सिर्फ लग नहीं खा रही थी मैं, लेके आया केक जैसा था ना। आप लेके आए केक सब आपके लिए ना, भी नहीं चाहिए क्या? मैं तुम्हें एक फनी बात बताऊं क्या? मैं बताऊं ना, फनी तो मैं मेरी बात सुनो, इसको गौर से देखो, तुम फिर पता। गाइस जितने लोग हसीब को जानते हो ना, इसको गौर से देखो आज, ठीक है? आज इसको गौर से देखो, क्या क्या है, क्यों गौर से, क्यों पता चल जाएगा ना, जो लोग जानते होंगे अभी कमेंट कर क्या है, मतलब कोई 10 डिफरेंस पकड़ लो बोल के कह रहे हो क्या? एक ही डिफरेंस है, देख लो, एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? देखो क्या है, क्या है गाइस, दाढ़ी नहीं तो क्या है, बाल काट दिया? नहीं नहीं यार, क्या है? मैंने इसको तंग कर दी थी कि नहीं, इसके आईब्रोज काजल के जैसे मेरी बातों कौन सी थी काजल, इसके आईब्रोज जुड़े हुए थे ना काजल आज जुड़ा नहीं। ओ यार, इतनी गौर से कौन देखता है भाई, ये कहा वो जुड़ी हुई है क्या? मैं कुछ भी नहीं, पहले वाली फोटो ऐसे कौन लड़के को देखते हैं, सबको पता है, इन सबको पता है। अच्छा, वो तो लड़कियां करती है ना, वो आईब्रोज बनाती है, उनके बुरे बने हुए थे ना ऑलरेडी, काजोल के जैसे थे यार ये वाली। मेरी बात सुनो, हमने इसके साथ प्रैंक किया कि ना ये ना तुम्हारी क्रश है, तुम अपने स्टेटस पे लगाओ, इसके आईब्रो जैसे थे, ये लड़की हमने नेट से निकाली, हमने कहा बोलो अपने स्टेटस पे कि ये तुम्हारी क्रश है, इसका फोन छीन गया और इसके फोन से स्टेटस लगाया और सबने देखा, ठीक है? उसके बाद ये बेचारा इतना डिप्रेस हो गया, इतना डिप्रेस, हमने इसको इतना तंग किया, इतना तंग किया, आज इसने भी चल से उड़ा दिया, तो बताऊंगा कि मैंने मम्मा खाना नहीं होता, मम्मा मेरे ये कदम खाना यार, अच्छी तो है, तुम लोग कर सकते हो, हम नहीं कर सकते क्या? तुम भी करवाते हो? हाँ मैं भी करवाता हूँ, इतना नहीं आता लेकिन करवाता हूँ कभी कभी, माफ कर यार, आज मेरे को तंग नहीं कर सकती, पता नहीं मैं मैसेज करती हूँ, मैं कौन सी बात तंग करूँ भाई, तुम मुद्दा में मुझे कहा नहीं, मैंने कहा क्यों क्यों किया, मैं तुम्हें तंग के साथ में करूँ कैसे, काजल खत्म आज से यार, मान ने इसका फोन लेके अपनी पेंट के अंदर डाल लिया, कहते पेंट में कैसे लगा, आपको दे दिया था पेंट के अंदर, मैं उस पेंट पर लगा, उसने इसको दिखाने के लिए अभी पेंट में डाल लिया, ये कहता अब मैं नहीं लेता अपना फोन, उसने ऐसा साइड से मुझे दे दिया ना फोन, मैंने इसके फोन पे स्टेटस लगाया और स्टोरी भी लगाई इंस्टा पे। इतना तंग मत करो, नहीं करता क्यों, अब क्यों बोलूं, अब वैसे थोड़ी तंग करते हैं, ऐसा नहीं करते, किसी की प्राइवेट होती है सोशल मीडिया तो उसमें ऐसी पोस्ट नहीं करते, प्राइवेट हाँ बहन भाई में कुछ प्राइवेसी नहीं होती। अच्छा वो तो ठीक है फिर, मैं चलता है तो कोई बात, मेरी बात सुनो,
मैंने ना इंस्टा पे ना ग्रुप में हमारा कजन का ग्रुप है ना, उसमें मैं और हसीब हम लोग आपस में बात कर रहे, ठीक है, मेरे आईडी से मैसेज मैसेज जा रहे हैं, हसीब कुत्ता, हसीब ये, हसीब वो। मैंने कहा ये कौन कर रहा है? मान कहता है ए मैं हूँ यार, व्हाट्सएप पे मुझे रिप्लाई नहीं दे रही, तू इधर इंस्टा ऑन करके बैठ। यार प्लीज मेरा इंस्टा अपने फोन से लॉग आउट कर दो, हमारी ये प्राइवेसी हो गया। हमारी देसी फैमिली में कोई प्राइवेसी नहीं, हम लोग कमरे की कुंडी भी लगा देना, हमसे सब दरवाजा तोड़ के पूछा जाता तुम लोगों ने लॉक क्यों किया था, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, समझे? हम लोगों के कमरे भी बहुत अलग बने हैं, वरना हम लोग सब जिस कमरे में एसी लगा होता है तो सब उधर ही नीचे सोते थे। अभी भी ये बेचारा नहीं, हम लोग के कमरे अभी भी अलग है, अभी हुए अलग। हम लोग इतने अमीर नहीं थे बचपन से, हम लोग इतने मॉडर्न नहीं थे, अभी हुए थोड़े से, अभी भी नहीं हो तो। मुंह में लग गए सारे, सरल खा रहे हो, खाओ खाओ। तुम भी खा लो यार, तुमने भी तो खाया था। और रूबी माय फॉल्ड्रेस, हु इज दैट? मैंने तो पागल हूँ, तो दिख रहे होंगे जिनकी बैंकर। हेलो नंजी, मैंने अनम्यूट किया अभी। क्या चुगली कर रहे थे खानदान वालों की? क्या चुगली? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुना, ये वो बर्थडे की बात कर रहे हैं कि लाइक हमारी फैमिली में ना बर्थडे जो होती है वो इस्लामिक मंथ पे, लाइक बर्थडे नहीं, बर्थडे भी हाँ, जैसे कोई अगर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ है तो वो 12 रबीउल अव्वल को ही अपनी बर्थडे करेगा। हाँ ऐसे ही ऐसे ही है ना, मतलब हमारा एक इस्लामिक मंथ हमारे अलहदा होते हैं, ठीक है, हमारे वो वाले ये जनवरी फरवरी नहीं होते हमारे, ठीक है, जैसे आप लोगों का अलग होता है हमारा भी अलग है, ठीक है। अभी जो कोई किसी की डेथ होती है, बरसी, हाँ फैमिली में किसी की बरसी होती है तो वो भी इस्लामिक मंथ पे ही करते हैं, इस्लामिक डेट पे करते हैं कि अगर 8 शबान है तो 8 शबान को करेंगे अगले साल भी, ठीक है। उस साल उसी डेट पे, चाहे वो जनवरी में आ जाए चाहे वो दिसंबर में आ जाए, उसी डेट पे करेंगे। हाँ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन हमारी लाइक हमारी फैमिली वाले जो भी लोग हैं, मेरे नाना वो की जो डेथ हुई वो 20 अगस्त की रात को हुई, 10-11 बजे, और उनको अगले दिन दफनाया गया। बस तो वो डेट होती है कि जिस दिन दफनाते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, अगर इसकी बर्थडे है 20 अगस्त को तो हम लोग 20 अगस्त को ही बरसी करेंगे, और करेंगे भी 20 अगस्त लाइक ये वाली इंग्लिश वाले मंथ की। हाँ तो वो कहते हैं इसी को ही करेंगे, हम आगे पीछे नहीं करेंगे, इस्लामिक मंथ में हम नहीं करेंगे, हम इसी की बर्थडे के दिन ही करेंगे, वरना जब दफनाया जाए वो डेट होती है। हाँ वरना वैसे तो 21st है ना, लेकिन सबको मेरी बर्थडे याद, वैसे किसी को याद भी नहीं होता कि किस दिन होती है बरसी होती है, बस यही याद है कि जिस दिन इसकी बर्थडे होगी ना उसी दिन हमने बरसी करनी है, इसी वजह से मैं नहीं करती अपनी बर्थडे। पिछली दफा की है क्योंकि पिछली दफा सबसे बोलचाल ही खत्म था, कोई आता जाता नहीं था, तो अभी उनको बुलाना पड़ेगा इसी वजह से, फिर मतलब सबको बुलाना पड़ेगा तो इसी वजह से, फिर लाजमी नहीं है। हाँ लाजमी नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हाँ इसकी बर्थडे है तो उसी दिन ही हम करेंगे, वरना सब भूल जाते हैं ना, इधर से मेरी बर्थडे की का केक कटेगा वो कहेंगे ओ अस्तगफिरुल्लाह इसको सामने आए अनर्थ हो गया, आज ही हमने बरसी करनी है। तो हम लोग अभी आपस में यही बात कर रहे हैं, कहता है कि ऐसा क्यों करना है आपने, आप अपनी बर्थडे करो ना, वो भी इस्लामिक मंथ। मेरी जो नानी है, मतलब ग्रैंड मदर, नानी पता है, ठीक है, उनकी जो होती है वो इस्लामिक मंथ पे होती है, और नाना अबू की करेंगे 20 अगस्त, उनकी होती है 28 शबान को, रमजान से 2 दिन पहले, वो भी याद होती है सबको, ये चलो रोजे आने वाले हैं तो तभी उनको याद होती है। अब ये उनको याद है भी लेकिन उस दिन नहीं करते। हमारी ये कह रहे कि आप 20 अगस्त को करो, मैंने कहा नहीं यार, क्यों खाम खा सबसे पंगा लेना खानदान वालों से। हाँ वो तो है, ठीक है कोई बात नहीं, बर्थडे तो बर्थडे है, कब मना, अभी मनाया है ना, उसमें भी मनाया था,
प्री बर्थडे और फिर भी हाँ प्री बर्थडे मैंने कहा मेरी हो गया छोड़ो गए क्या खानदान वालों से पंगे लेने, बातें तो वही फिर करते हैं ना। आपको किसने भेजा ये लेके आया कोई गिफ्ट, अभी 20 को आएगा इसने मंगवाया है। अच्छा 20 को आया, कहते चलो अगर आप नहीं करती तो छोड़ दो गिफ्ट, नहीं नहीं थोड़ी बहुत हम कर लेंगे है ना, थोड़ी सी कर लेंगे। क्या मंगवाया, चाबी वाला घोड़ा? चाबी वाला घोड़ा होता है, होता है ना ऐसे चाबी करके इस चीज को दुर्क 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 करते ना। मैं वो क्यों लूंगी पता नहीं, तुम्हें ऐसी ऐसी चीज पसंद है ना। हाँ पसंद। चाबी वाला कुत्ता था ना एक, वो तुमने चूज की थी इस चीज को। हाँ शर्म नहीं आती लाइफ में सबको, तुम मत बताओ कि मैं ऐसी चीजें पसंद करती हूँ। अच्छा तुम ये बंदा टॉयलेट चला गया, मैं गिफ्ट शॉप पे गिफ्ट देख रही थी, चाबी वाला कुत्ता, उसकी ऐसा चाबी घुमा और इससे जंप लगा के आगे जाता था। मैंने कहा ये कलाबाजी क्यों नहीं खाता, इस बात पे हमने ऑफर कैंसिल कर दी थी, फिर मैं नहीं लेके आये वो कलाबाजी। मैंने कहा इसको जंप करवाओ, 200 में कलाबाजी भी दिखाए वो चाबी वाला कुत्ता। मुझे पसंद था यार वो। ये कहते क्यों ले रही हो, पसंद है यार, क्यों नहीं मारती है ना। हाँ कहता क्यों ये क्यों ले रही हो, मैंने कहा मुझे पसंद है, कहता किसके लिए ले रही हूँ, अपने लिए ले रही हूँ। क्यों मतलब, मैं कलाबाजी खाने वाला गुलाटी खाने वाला कुत्ता मैं नहीं ले सकती क्या, मुझे पसंद है यार ये, मुझे लेके चला गया कहता ये लेना। ठीक है ठीक है, दगा दगा मेरे हम सफर नहीं यार, गाना हो गया यार भाई, गला सूख गया, कल के लिए रखेंगे ना। पानी पी लो कोई बात नहीं, पानी तो पी के आए, लेकिन नहीं इतना ज्यादा पुश नहीं करते गले को, अभी गा सकता हूँ मैं 1 घंटे 2 घंटे और गा सकता हूँ, लेकिन 22 साल की बच्ची है अभी, 22 होने में एक दिन रहता है, तब तक 21 बोलोगे जो अल्लाह की कसम खा के, अपनी भी असली बता मेरी भी असली बता, अल्लाह की कसम खा के बता। हाँ आज तुझे कसम हसी बता, नहीं नहीं तू अपनी बता, अपनी एज बता ना कितनी है। 17 and half तुम्हें क्या लगता है ये बहुत बड़े मर्द है, बहुत बड़े बंदे हैं ये। कल मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कल सब लोग बोल रहे तुम्हारे तुम्हारे इतने बड़े कजन है ना जवान सारे, तो तुम्हारे कजन है वो सुरेश का ख्याल नहीं रखेंगे। मैंने कहा उनसे तुम एक्सपेक्ट क्या करते हो, 16-17 साल के बच्चे हैं वो, इनकी हरकत 13 साल कम, 13 साल कम थोड़ा 12.5 तो है भाई, 17.5 मतलब 12-13 साल के थे ये तब पैदा हुआ। लेकिन मैं छोटा लगता हूँ, सच बता रहा हूँ, बहुत छोटा लगता है। वैसे ये है कि वहां के लोग सारे यंग लगते हैं, हम लोग अभी से बूढ़े लगते हैं। भाई मेरी भी दाढ़ी तो नहीं है ना, कह मुझे थोड़ी सी है। क्यों मेरे पीछे बड़े पागल तुम तो वैसे के वैसे, अरे तुम तो वैसे की वैसे हो यार, हम बुढ़े हो गए तुम वैसे की वैसे हो, वो फॉरेन जाके पैसे कमा के बच्चा बच्चा पैदा करके तोंद इतना बड़ा करके आया था। अरे यार तुम तो वैसे के वैसे हो। हाँ भाई वैसे के वैसे हूँ, क्या करूँ मैं, कभी कभी अच्छा लगता है, छोटी हाइट वाला भी अच्छा ही होता है भाई। बहुत गिफ्टेड है सच्ची, इसका पता नहीं चलता, सब लोग ऐसे नहीं होते हमारे, देखो सफेद बाल आना शुरू हो गए, अभी डाई नहीं है, स्ट्रिकी चुप कर एंड करते हैं।
मैं थोड़ा यूके एग्जैक्ट है, थोड़ा मिक्स हो गया इंग्लिश इसलिए। यार तुम पता ही तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। चुप चुप चुप, हमारे है ना माइंड लैंग्वेज है ना, बता रही हूँ मैं, बता रही हूँ। चुप चुप, आपका एक तो एक्सेंट आपका यूके जाके खराब हुआ है ना। हमारा जो लोकल यहाँ के लोग है ना, उनका पता है कैसा एक्सेंट है? हमारा अब आगे ठीक हुआ है। यहाँ के लोग आइसक्रीम को बोलते हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। ये तो बहुत है, ये तो बहुत ही ज्यादा है, ज्यादा है ना, थोड़ा ज्यादा है ना। आइसक्रीम भैया जी, एक आइसक्रीम देना, ऐसे बोलते हैं, आइसक्रीम देना, ऐसे ही बोलते होंगे शायद। हाँ, भी ऐसे ही है, वो बोल रहे कि ये भी ऐसे ही बोलते हैं। मैंने कब बोला? चुप कर रहा है यार, सच्ची। या तो वो बोलते हैं आइसक्रीम, छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं पापा पापा मैं आइसक्रीम लेके। यार सच्ची कितनी गंदी बात है ना ये। नहीं बोल रही यार, उसको मतलब अब समझ आया, और उसने हम किया आइसक्रीम। मैं तो उसको स्ट्राइकी में लेके जा रहा था यार, मैंने इंग्लिश में आइसक्रीम, उसकी इंग्लिश में तो बहुत ही बुरा मतलब। ये कट कर देना यार, ये कट कर देना, ये लाइव में ये कट नहीं होगा। हमारी जो माए है ना, हमारी माए अभी भी ऐसा ही बोलती है, पता है, हम उनका मजाक करते हैं, प्लीज अब मत बोला करो ऐसा। हाँ, बड़की पालने में हमसे बड़ा कोई नहीं। सॉरी भाई, मैं कुछ गलत बोला। पता है तुम लोग यार कमेंट में क्यों झगड़ा करते हैं यार भाई? क्या हम दोनों इतने खुश होके बात कर रहे हैं अपनी दुनिया में, तुम लोग क्या पढ़ी रखी है कमेंट पे झगड़ा करते हैं? मैं कभी कभी देखता हूँ, मैं यार अपनी दुनिया है तुम लोगों का, मत करो ऐसा। अपनी दुनिया है यार, यहाँ क्या बात है। आइसक्रीम आएंगे ना, और ना हम लोग अपनी मोटर निकालेंगे, मोटर निकालेंगे। गाड़ी को बता क्या कहते हैं, गड्डी। तो नया है फिर भी, गाड़ी को बोलते लेटेस्ट है ये, तो बोलते ऐसा आप भी मोटर कटे आइसक्रीम खाओ पड़ रहा है। तो सराइकी में कहती हूँ ना, तो इसलिए आइसक्रीम आइसक्रीम बोलते हैं ज्यादातर लोग उधर। सराइकी है, नहीं पंजाब में है, सराइकी भी है, और पंजाब में क्या फर्क है? ऑलमोस्ट एक जैसी, अगर देयर इज 90% एक 90% एक जैसी है, 10% अगर प्योर सराइकी बोलो ना तो बिल्कुल मैच नहीं होती। मैंने सुन लिया है साथी, भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा गएर एउटा मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र साथै यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने एक लाइक गरेर यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस्तै यस्तै मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू मैले त राखिदिएको छु, कृपया हेर्नुहोला। धन्यवाद।